वेलकम टू झारखंड की चांदनी यूट्यूब चैनल। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं चांदनी। फ्रेंड, आज मैं सोच रही हूँ कि घर की थोड़ी साफ सफाई करूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरे बड़े बेटे का जन्मदिन है। इसके लिए मैं कुछ तैयारियाँ कर रही हूँ। आज बच्चों का क्लास भी नहीं है, सैटरडे को छुट्टी रहता, ऑनलाइन क्लासेस नहीं होते हैं, इसलिए सोच रही हूँ कि कुछ टाइम निकाल के थोड़ा कुछ काम कर लूँ, ताकि कल के लिए मैं जल्दी से तैयारियाँ कर सकूँ। और देखिए फ्रेंड, मेरा छोटा बेटा जो कि मॉल से हाथी खरीद कर लाया था, उससे वो खेल रहा है। वो देखिए, देखिए सारा सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा है। कल में बोल गया तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया, इसलिए कुछ कर नहीं पाए। सोच रही हूँ कि आज साफ़ सफाई कर लूँ, रूम को थोड़ा डेकोरेट करना चाहती हूँ, लेकिन वो मैं कल करूँगी। ये देखिए बच्चों का ड्रेस जो कि ऐसे ही बिखरा पड़ा है। वह बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, छोड़ दूँ क्या? छोड़ दूँ? मेरा छोटा बेटा बहुत ही शरारती है, बस खेलते रहेगा। आज क्लासेस में भी इसलिए बस दिन पर आज खेलने के मूड में है। अब मैं आपको किचन में ले जाती हूँ। देखिए फ्रेंड, मैंने आज खाने में खिचड़ी बनाया है, साथ में पापड़ और चावल की तिलौरी है, जो कि हम सब लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है। आज सैटरडे है, इसलिए मैंने खाने में खिचड़ी बनाया है। खिचड़ी सभी को बहुत पसंद है, खाने में भी टेस्टी है। देखिए खिचड़ी बन के तैयार हो चुका है और तिलौरी पापड़ की है। साथ में मैंने खिचड़ी के साथ आलू का चोखा भी बनाया है मैंने, ये देखिए। बस थोड़ी ही देर में हम सब खाना खाएंगे, बच्चों को दूंगी और हम सब लोग खाना खाएंगे। ये देखिए खाना मैं निकाल रही हूँ। देखिए फिर ये पापड़ है और गर्मा गर्म खिचड़ी, सभी लोग गर्मा गर्म खिचड़ी खाएंगे, बहुत ही अच्छा लगता है खिचड़ी खाने में। हाँ देखिए फ्रेंड, अब हम सब खाने जा रहे हैं फ्रेंड, फिर मैं मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। शाम के नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। ये चने की दाल है जो मैंने सुबह भिगोने के लिए डाल दिया था। मैंने चार कप दाल लिए थे और उसे पानी में डाल दिया था भिगोने के लिए। देखिए पूरी तरह से अच्छे से फूल चुका है और मैं इसे पीसूँगी। मैं दाल की कचरी बनाने जा रही हूँ, उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। ये देखिए, और साथ में मैंने ये दो लाल मिर्च, दो हरी मिर्च ली हूँ और 7 से 8 लहसुन की कलियाँ ली हूँ। और इसे मैं थोड़ा सा हल्का सा पानी डालूँगी और इसे पीसूँगी। और ये करील है, इसे करील बोलते हैं, ये झारखंड में बहुत ही मिलता है, इसे बांस का करील बोलते हैं। इसे भी मैंने 2-3 दिन पहले पानी में भिगो के रख दिया था, ये 2 से 3 दिन में तैयार होती है। इसको पीसने के बाद मैं इसे भी पीसूंगी और इसी को मिक्स करके मैं कचरी बनाऊंगी। देखिए फ्रेंड, मैं इसे मिक्सी में पीसने जा रही हूँ। कर देखती हूँ दाल अच्छे से पिस गई या नहीं। एक बार और चलाऊंगी, क्योंकि अच्छे से पीस चुकी है, मैं आपको दिखलाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने पीस के इसका पेस्ट बना लिया है। ये देखिए, ये अच्छे से पीस चुका है। इसे मैंने एक बड़ी सी कटोरी में रख लिया है। अब मैं दूसरी बार पीसने जा रही हूँ।
देखिए फ्रेंड, मैं थोड़ा थोड़ा करके पीस रही हूँ ताकि ये अच्छे से पेस्ट बन जाए। और मैंने ये हल्का सा वाटर लिया है, इसे मैं फिर से पीसने जाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, इससे मैंने पीस लिया है, पेस्ट बना लिया है। अब मैं इसको पीसने जाऊंगी। ये झारखंड में मिलता है, इसे बांसकरी भी कहा जाता है। आप इसे दाल का भी आप कचरी बना सकते हैं। इसमें अदरक मिर्ची पीसकर और नमक जीरा, आप स्वाद अनुसार नमक डालकर और आप दाल की भी कचरी बना सकते हैं। मैं आपको बनाकर भी दिखलाऊंगी, पहले मैं तैयारी कर लूँ। इसे मैंने छोटे छोटे पीस कर दिए हैं, देखिए देखिए फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसका भी पेस्ट बना लिया है। ये देखिए, ये ऐसे है। और इसे मैं इसमें फ्रेंड पानी निकलता है, जिसे मैं इसे गार दूंगी। उसके बाद मैं दाल में मिलाऊंगी, नहीं तो दाल और ज़्यादा पतली हो जाएगी। ये देखिए, दोनों हाथों से मैंने इसमें से देखिए पानी निकाल दिया। ये देखिए, पूरा पानी मैंने इसका निकाल दिया है। इसी तरह से मैं सारे करी से पानी निकालूंगी। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड, ये झारखंड में बहुत ज़्यादा मिलती है। अभी लाइट चली गई है, लाइट आएगी तो मैं इसे कैसे बनाते हैं मैं बनाकर भी आपको दिखलाऊंगी। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। ये देखिए कितना ज़्यादा इससे पानी निकल रहा है। ये पानी में ही रहता है ना, 2 से 3 दिन तक पानी में इसे डाल के छोड़ दिया जाता है, उसके बाद ये तैयार होता है। लाइट आ गई है दोस्तों, और मेरा ये करी का भी काम हो चुका है। देखिए फ्रेंड, मैं 2 तरह की कचरी बनाऊंगी, एक दाल की और एक करी डालकर। क्योंकि जिन्हें करी डाला हुआ पसंद नहीं है, वो दाल की कचरी खा सकते हैं। देखिए फ्रेंड, इससे मैंने सारे पानी निचोड़ लिए हैं। ये देखिए, ये सब तैयार हो चुका है। ये देखिए, इसमें पानी नहीं है, मैंने सारे पानी निचोड़ लिए हैं। और इसके बाद मैं इसे मिक्स करूँगी दोस्तों। इसमें मैंने जीरा लिए हैं, 1 चम्मच जीरा है, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसमें मैंने 1/2 चम्मच हल्दी का पाउडर डाला है, थोड़ा सा और डाल देती हूँ मैं। देखिए, और मैं स्वाद अनुसार इसमें नमक डालूंगी। देखिए फ्रेंड, ये दाल की कचरी का मैं तैयारी कर रही हूँ। उसके बाद इसमें मैं ये जो बांस का करील है, मैंने इसमें भी नमक मिला दिया है ताकि बाद में मिलाना ना पड़े। इसमें मैंने मिर्च, हरी मिर्च और लहसुन साथ में पीस के डाल दिया था, इसलिए मैं इसमें अब मिर्ची नहीं मिलाऊंगी, क्योंकि बच्चों को खाना है तो मैं ज़्यादा तीखा नहीं बनाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ये देखिए, मैं इसे मिक्स कर देती हूँ। देखिए फ्रेंड, इसे मैंने अच्छे से मिला दिया है, ताकि नमक और जो भी इसमें मैंने नमक जीरा ऐड किया है सब अच्छे से मिल जाए। ये देखिए फ्रेंड, इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है।
ये हमारा दाल तैयार। तलने के लिए कड़ाह बिठा दिया है और तेल अब गरम होने ही वाला है। मैं पहले सिंपल बनाती हूँ दाल की कचरी, उसके बाद में उसमें जो करेले का पेस्ट बनाया था उसे मिक्स करूँगी। ये देखिए फ्रेंड, मैंने इतना लिया है और इसे मैं ये देखिए ऐसे डाल दिया मैंने। इसी तरह मैं एक एक करके साइड साइड से डालते जाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने इसे उलट दिया है। ये देखिए देखिए फ्रेंड, ये तल चुका है, अब मैं इसे निकालूंगी। देखिए देखिए ये तल चुका है, देखिए मैंने इसे साइड में रख दिया है। अब मैं जो करेल का पेस्ट बनाया था उसको इसमें ऐड करूंगी। थोड़ा थोड़ा करके मिलाऊंगी। मिक्स हो चुका है, ये देखिए पूरी तरह से मिल गया है और इसे देखिए इसी के जैसा तलूंगी। देखिए छोटे छोटे साइज में ताकि अच्छे से तल जाए, पक जाए पूरी तरह से। फ्रेंड बहुत ही गर्मी है, किचन में मेरा हालत खराब हो रहा है। ये देखिए फ्रेंड, ये भी लगभग तैयार हो चुका है। मैं एक दो मिनट और इसे पकाऊंगी और इसके बाद इसे निकालूंगी। ये देखिए देखिए फ्रेंड, ये पक चुका है लगभग। अब मैं इसे निकालने जा रही हूँ।
ये पूरी तरह से ये देखिए फ्रेंड, अब मैं इसे निकालने जा रही हूँ और मैं आपको निकालने के बाद दिखाती हूँ कि कितना अच्छा इसकी लगता है। देखिए फ्रेंड, मैंने इतने सारे तल दिए हैं, अब मैं आपको दिखलाती हूँ। ये देखिए, देखिए फ्रेंड कितना यम्मी है, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। अब मैं आपको इसे आप हरी चटनी के साथ या फिर अचार के साथ भी आप खा सकते हैं, आपका चॉइस, आपको जिससे अच्छा लगे। ये देखिए मैंने करेले का जो बनाया है, ये देखिए बहुत ही टेस्टी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा मेरा रेसिपी। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं।